दोस्तों किसी भी सिलाई मशीन में सिलाई करते समय जो कपड़े के नीचे की सिलाई होती है वो कभी कभी गुच्छा गुच्छा ढीला ढीला यानी खराब आने लगती है। क्यों आती है खराब, किस किस कारण से खराब आती है, कौन कौन से कारण होते हैं और उसे कैसे सही करना चाहिए, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर गोविंद। दोस्तों देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे वो समस्या सिलाई मशीन का हो या फिर समस्या हम सबके जीवन का हो, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले समस्या को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम उस समस्या को, प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जानेंगे कि किस कारण की वजह से क्या समस्या होती है, किस कारण की वजह से हमारी सिलाई मशीन नीचे की जब सिलाई करते हैं तो नीचे का सिलाई गुच्छा गुच्छा खराब आने लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप काफी महत्वपूर्ण जानकारियां बीच में मिस कर। देखिए सबसे पहले तो आप इस मशीन को देख के कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई और मशीन हो, काली वाली अम्ब्रेला मशीन हो या छोटी बड़ी जो भी हो, या फिर जुकी और भी कंपनी की मशीन हो सकती है। तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी सिलाई मशीनें एक ही सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। इसलिए मेरे पास ये मशीन है तो मैं आपको इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किसी भी सिलाई मशीन में कपड़े की सिलाई करने के लिए दो जगह से धागे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दो जगह से धागे का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, जो हम एक रील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये देखिए ये रील है, ये रील, इस रील का इस्तेमाल करते हैं कपड़ा सिलने के लिए, जो ऊपर लगाते हैं मशीन के, ठीक है। और जो दूसरा धागा होता है वो हम मशीन के नीचे ये बॉबिन केस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें धागा भर के दो जगह से धागे का इस्तेमाल करते हुए हम कपड़ा सिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रील का, जो हमारा ये रील है, जो रील का धागा आता है यहाँ से ऊपर होते हुए मेन पॉइंट जो होता है ये टेंशन होता है, टेंशन में आता है, ठीक है। और टेंशन से होते हुए ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा करीब करके, ये देखिए ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से धागा होते हुए हमारा नीडल में, यहाँ नीचे नीडल में आता है, और फिर यहाँ से जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी नीडल जब शटर के अंदर जाती है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, खोल के प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना आप, तब तक मैं खोल लेता हूँ इसको। एक बार समझ गए अच्छे से ना, तो लाइफ में कभी भी ये प्रॉब्लम होगी तो आप चुटकी में सही कर लोगे। देखिए हमारी सिलाई मशीन की सुई जब कपड़ा सिलने के लिए अंदर नीचे, कपड़े के नीचे जब जाती है शटल के अंदर, तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, देखिए ये जा रही है नीचे, तो यहाँ से देखिए जो हमारा शटल का ये हुक है, देखिए जो शटल का ये हुक दिखाई दे रहा है आपको, ये शटल का हुक देखिए धागे को पकड़ रहा है ना, ये धागे को पकड़ लिया, देखिए यहाँ धागे को पकड़ के और फिर नीचे लेके जाता है, ठीक है। नीचे लेके जब जाता है तो जो हमारा रील में धागा लगा होता है, जो सिलाई मशीन के ऊपर जो रील लगी होती धागे की, उस रील से शटल धागे को खींचता है, ये शटल हमारा रील के धागे को खींच के फिर नीचे लेके जाता है, और नीचे जो बॉबिन में धागा लगा हुआ होता है उस धागे में गांठ मार के फिर ये हमारी सुई ऊपर आने लगती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब हमारी सिलाई मशीन की सुई शटल के अंदर नीचे जो बॉबिन लगा होता है, बॉबिन के धागे में जब गांठ मार के ऊपर आने लगती है, तो देखिए ये वाला पार्ट भी ऊपर आने लगेगा, ये देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है ना, जब ऊपर जा रहा है तो क्या करेगा, ऊपर जाते हुए देखिए अब धागा टाइट हो गया ना, इधर भी धागा टाइट हो गया और इधर भी धागा टाइट हो गया, जो ये वाला धागा है ये हमारा सिलाई मशीन की सुई में लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना। और जो इधर वाला धागा है, देखिए जो हमारा इधर वाला धागा है, ये वाला धागा ये हमारा टेंशन में लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये ऐसे ऊपर जाता है तो क्या करता है, धागे को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है, दोनों तरफ से। अगर यहाँ से देखिए टेंशन में अगर धागा लूज है, अगर टेंशन आपका मान लीजिए लूज है, ये पूरा लूज है, ठीक है, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इधर से भी धागा खींचेगा और इधर से भी धागा खींचेगा, जिसके कारण से नीचे हमारा जो गांठ होता है, जो हमारा सिलाई होता है नीचे की सिलाई, वो सिलाई गुच्छा गुच्छा और लूज होने लगता है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे टाइट रहता है, अगर टेंशन हमारा टाइट है, अच्छी तरह से सही से सेट है, टाइट है, तो क्या होगा, जब ये हमारा ये पार्ट ऊपर आएगा धागे को खींचेगा, तो इधर से जो हमारा टेंशन वाला धागा है इसको नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ से टाइट है, और जो ये वाला धागा है ये क्या है, लूज है, तो इसको आसानी से खींच लेगा। जब आसानी से खींच लेगा तो क्या होगा, जो हमारे नीचे की सिलाई है वो पूरा प्रॉपर सही तरीके से बैठ जाएगा, टाइट हो जाएगा, खींच जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जो फालतू धागा निकलता है नीचे वो यहाँ से ये खींच लेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अरे रुकिए जनाब रुकिए, कहाँ चल दिए, अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर तो ये बाकी है मेरे दोस्त, पूरी पिक्चर देख के जाइए तभी कुछ समझने सीखने को मिलेगा। देखिए जो सिलाई मशीन का टेंशन होता है, उस टेंशन के जो प्लेट होती है, उस प्लेट के ढीले होने के भी चार कारण होते हैं, चार वजह होते हैं जिसकी वजह से टेंशन की प्लेटें ढीली हो जाती है, और ढीला होने के कारण से नीचे की सिलाई
खराब आती है। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं कौन कौन से चार कारण हैं जिसकी वजह से हमारी टेंशन की पीरियड डेली होती है और नीचे की सिलाई खराब आती है और उसे कैसे सही करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कारण तो हमारी टेंशन का जो रेगुलेटर होता है, अगर यहाँ से आपका रेगुलेटर से अगर लूज है तो आप रेगुलेटर से ऐसे टाइट कर लें, ठीक है। अगर इस टेंशन के इस दोनों प्लेटों के बीच में जाम धागा लगाते हैं, अगर इस दोनों प्लेटों के बीच में कचड़ा वगैरह धागा वगैरह गर्दा वगैरह फंस जाता है तो इसके वजह से भी हमारे नीचे की सिलाई खराब गुच्छा गुच्छा आने लगती है। क्योंकि देखिए जब हम इसके अंदर धागा लगाते हैं और इस दोनों प्लेटों के बीच में कचड़ा वगैरह फंसता है तो कचड़ा वगैरह फंसने के कारण से ये दोनों प्लेटें आपस में चिपक नहीं पाती है और नहीं चिपकने के कारण जो हम इसमें धागा लगाते हैं उस धागे को पकड़ के दबा के टाइट करके नहीं रख पाती है। इस वजह से नीचे की सिलाई खराब आती है। तो आप इसको भी चेक कर ले, दोनों प्लेटों को बीच में चेक कर ले, अगर कचड़ा वगैरह गर्दा वगैरह फंसा है तो इसको खोल के यहाँ से ऐसे इसको निकाल के यहाँ से प्लेटें निकाल के प्लेटों को साफ करके फिर ऐसे ही सेट करके अपना इसको सही कर ले इस प्रॉब्लम को। और जो दूसरा कारण होता है, ये टेंशन के अंदर एक पिन लगा होता है, उस पिन के कारण होता है। मैं दिखा देता हूँ, पिन खोल के आपको निकाल के दिखाता हूँ। टेंशन खुल जा, ये देखिए निकल जा, निकल जा सिमसिम आ जा रे, ये देखिए जो पिन लगी है ना, ठीक है, ये कारण होता है। दोस्तों अगर आपके सिलाई मशीन के टेंशन में अगर ये पिन नहीं है तो फिर तो आपके मशीन में इस पिन के कारण से ये समस्या आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए इस पिन से क्या होता है। देखिए जब हम टेंशन को मशीन में फिट करते हैं तो फिट करते समय अगर ये जो पिन है टेंशन वाली, अगर ये पिन दब जाती है तो देखिए क्या होता है। अगर ये पिन दबती है तो दबने के कारण से जो हमारे टेंशन की दोनों प्लेट होती है, ये प्लेटें दोनों ढीली हो जाती है। देखिए ढीला हो रहा है ना, ये देखिए ढीला हो रहा है ना, हो रहा है ना ढीला। इस ढीला होने के कारण से हमारे नीचे की सिलाई लूज, ढीला, गच्छा गच्छा, गुच्छा गुच्छा जो भी होता है वही से आने लगता है। तो एक बार आप चेक कर ले अपने टेंशन में, ठीक है, कहीं आपकी पिन दबी तो नहीं है, ठीक है। अगर दबी है तो इसे कैसे सही करना है या फिर सिलाई मशीन में टेंशन कैसे फिट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो या फिर आप हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण दोस्तों, हमारी सिलाई मशीन के बैक साइड में देखिए जो ये वाला पार्ट होता है जिससे हम इसको ऊपर उठा के ऐसे सिलाई मशीन के प्रेशर फुट को ऐसे ऊपर उठाते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारे टेंशन से कनेक्ट होता है। जब हम देखिए जब हम इस पार्ट को ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो टेंशन की ये प्लेटें ढीली हो जाएंगी। देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्लेट है, जब हम उस पार्ट को प्रेशर फुट को उठाने के लिए ऊपर उठाते हैं तो देखिए कैसे काम करता है। देखिए ये देखिए जो सबसे फर्स्ट वाली प्लेट है कैसे बाहर आ जा रही है, देखिए आ रही है ना, ये बाहर आ रही है ना, तो बाहर आ जाती है जिसके कारण से ये दोनों प्लेटें होती है जिसके बीच हम धागा लगाते हैं, ये दोनों प्लेटें पूरी ढीली हो जाती है। और ढीला होने के कारण से हमारी जो धागा होता है वो सिलाई करते समय एकदम पूरा ढीला जाता है नीचे, जिसकी वजह से नीचे की सिलाई गुच्छा गुच्छा या खराब आता है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप हमेशा इसको ध्यान दें, जब भी सिलाई करें तो इसको चेक करें कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट ऐसे ऊपर कहीं अटका तो नहीं है, बीच में कहीं लटका तो नहीं है, फंसा तो नहीं है, इसको हमेशा ऐसे नीचे की तरफ रखें। चौथा कारण हमारी सिलाई मशीन के नीचे देखिए जो ये वाला पार्ट होता है घुटने के पास, जिसे हम प्रेस करके सिलाई मशीन के प्रेशर फुट को देखिए यहाँ पे ऐसे उठाते हैं प्रेस करके इसको, तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारे सिलाई मशीन के देखिए इस टेंशन से कनेक्ट होता है, ठीक है। जब हम इस वाले पार्ट को ऐसे प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारे टेंशन की प्लेटें अलग हो जा रही है, निकल जा रही है, देखिए ऐसे निकल जा रही है, दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी जो प्लेट है, देखिए जो ये वाली प्लेट है, ये देखिए इसे दबाते हैं तो प्लेट ऐसे बाहर की तरफ आने लगेगी, देखिए आ रही है बाहर ना, जिसके कारण से दोनों प्लेटें, ये देखिए प्लेट ढीली जा रही है। और ढीला होने के कारण क्या होता है आपको तो पता ही है, क्योंकि हमारे नीचे की सिलाई इससे खराब आने लगती है, गुच्छा गुच्छा आने लगता है। तो आप इसके लिए हमेशा ध्यान रखें, जब आप सिलाई करें तो अपने घुटने को ध्यान दें कि आपका घुटना कहीं इस पार्ट को दबा के तो नहीं रखा हुआ है। अगर दबा के रखा हुआ है तो यहाँ से अपना घुटना हटा ले, और जब भी सिलाई करें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका घुटना इस वाले पार्ट को प्रेस करके ना रखे, ठीक है, इसे दूर रख के आप सिलाई करें। तो दोस्तों यही सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से नीचे की सिलाई खराब आती है और ऐसे ही इसको सही करना चाहिए। अब बताइए आपको फिल्म कैसी लगी, फिल्म अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और ऑल पे सेट कर दें, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करें जो सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं या फिर सिलाई मशीन रिपेयर करते हैं।
ताकि उनको भी कुछ सीखने को, समझने को, अच्छी फिल्म देखने को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। हमारे चैनल पे और भी काफी सारी वीडियो पड़ी हुई है, देखिए।